जनपद में विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं जोनल मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण एनेक्सी भवन के सभागार में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण के बाद विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर जितने भी सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट तैनात हुए हैं उनका प्रशिक्षण शुरू हुआ है, जिनको मास्टर ट्रेनर द्वारा विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें कि किसी भी तरह की घटना होने पर पहली जिम्मेदारी सेक्टर मजिस्ट्रेट का होता है, चाहे वह ईवीएम को बदलना हो या मतदान के संपन्न होने के बाद सूचना देने की बात हो। उन्होंने कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट बूथ पर पहुंचकर सबसे पहले मशीनों की सील चेक करेंगे और चुनाव के दौरान हर बूथों का 2 घंटे पर निरीक्षण करेंगे, जिससे अगर कोई ईवीएम खराब हुआ तो उसको तत्काल बदल दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ईवीएम प्रभारी प्रशिक्षण ए के सिंह तथा जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, क्लोज बटन के सेट का ये होल मिल गया, इसमें देखिए सीयू नंबर यहाँ ब्लैंक, इसी होल में उस धागे को फिर पिरोइए, इसको पिरो दीजिए और उसमें दो गांठ लगा दीजिए और गांठ को इसके ऊपर दबते रखिए पहले और करे ऊपर गंठिया रखिए और फिर वो जो आपको लाख मिलता है उसको गर्म करके ब्रास सील के जरिए उसको सील कर दीजिए और सील करने के बाद इसको ले आना है। इस पर आपको हमने बताया था कि वहाँ अभिकर्ताओं का भी दस्तखत होगा, तो इसके पीछे जगह है तो दस्तखत करा लीजिए, उसके बाद इसमें ले आते हैं, इसे लेट डाउन करते हैं। तो ये जो क्लोज बटन है इसके ठीक ऊपर ये होल होना चाहिए, तो होल को कर लीजिए, बाकी जो जितना अधिक अधिक हो रहा है उसको उसी में मोड़ दीजिए। मोड़ने का मतलब क्लोज के ऊपर ना आवे, मोड़ने पर उसी में उसको एडजस्ट कर दीजिए और फिर ये काम आप जो है इस ढक्कन को ऐसे जाइए और इसको दबा के बंद कर दीजिए, इसकी सीलिंग कर लीजिए, फिर पेपर सील जैसे मैंने कहा वैसे सील। आप मतदान के दौरान या मतदान के उपरांत मशीन क्लोज हो गई तो भी कभी भी इसको दबा करके उस समय तक इस मशीन में कितना कुल मत रिकॉर्ड है उसकी भी जानकारी आप कर सकते हैं। तो ये टोटल बटन आपके हाथ में रहेगा, आपको पता है कि हर 2-2 घंटे पर आपको रिपोर्ट करनी होती है कि कितना वोट पड़ गया, तो अपने अपने पीठासीन अधिकारी से 9 बजे 11 बजे 13 बजे 15 बजे उसके बाद भी जा रही है 17 बजे, तो ये रिपोर्ट ले लिया करिए कितना कितना वोट पड़ गया, आपको बता देंगे और फिर अपना उसको रिकॉर्ड कर लें, जहाँ करना धरना है। इसके बाद एक तीसरी बटन है क्लोज, तो क्लोज के ऊपर ढक्कन लगाया, देखिए ढक्कन क्यों लगाया कि रियल पोलिंग के दौरान भूल बस भी किसी का उंगली इधर जाए तो क्लोज बटन दबे ना। क्लोज बटन आपको पता है कि किसी चीज का शुरुआत होता है तो उसका अंत भी होता है, तो इस पूरे पोलिंग का अंत अंतिम संस्कार करने का ही बटन है क्लोज बटन। तो शाम को जब अंतिम मतदाता वोट काट कर देता है मशीन में तो उसके बाद पीठासीन अधिकारी टोटल बटन दबाते हैं और ये देख लेते हैं कि कुल कितना वोट पड़ा और नोट कर लेते हैं और उसके बाद जो वहाँ एजेंट है उनको बता देते हैं कि कुल इतना मत हो गया है और मैं क्लोज करने जा रहा हूँ और उसके सामने ये खोलेंगे और इसमें उंगली डाल के, बाकी कुछ आगे पीछे नहीं सोचना है, हमारा रजिस्टर कहाँ है और क्या उसमें आंकड़ा है कुछ नहीं, तुरंत जहाँ पहला अंतिम मत पड़ा आप इसमें आइए टोटल दबा के देख लीजिए और उसके बाद इसके अंदर उंगली डाल करके दबा करके मशीन को क्लोज कर दीजिए। क्लोज कर देने के बाद इसमें चाहेंगे कि आप वोट डलवा सकें नहीं डलवा सकते, अभी वो आप देखेंगे भी कि वोट नहीं पड़ता क्लोज करने का। तो जब 2 बैलेट यूनिट आपको मिलेगी, स्थिति अगर बन गई तो एक में यहाँ 01 दिखना चाहिए और दूसरी वाली में 02 दिखना चाहिए, तो कितना हुआ 16+7 हो गया, तो 16 नीले बटन इस पर ऊपर से नीचे की ओर खुले होंगे और 16 यहाँ पर ये दिखाई देगा बैलेट पेपर में प्रत्याशी टॉप 1 से लेकर 16 तक और जो बाकी 7 हैं वो दूसरे बीयू पर दिखाई देंगे और उस बीयू के यहाँ देखेंगे विंडो में तो 02 लिखा होगा, अगर 02 नहीं लिखा है कुछ और लिख दिया है तो गलत है, तो कौन सी 1 नंबर की है कौन सी 2 नंबर की है इसका फिजिकल निरीक्षण करेंगे तो उससे भी पता चल जाएगा, जिस पर 16 नीला बटन खुले हैं वो 1 नंबर की है और जिस जो पार्शियली ऊपर से 7 ही नीले बटन खुले होंगे उसके बाद के जो बटन होते हैं मास्किंग कर दी जाती है, उनकी मास्किंग माने इसके अंदर ये सिस्टम है
वो सफेद कलर का दिखेगा, बाकी नीचे के 9 अक्टूबर तक। बात आ रही समझ में? इस मसीह की खासियत यह है के लिए कि जहां जहां इसमें आपको नीला दिखाई दे रहा है उस सब या तो खुलने वाला दरवाजा है या कोई दबने वाली चीज है, नीला वाले सब। मैं ए के सिंह एसएससी वेंता ईवीएम प्रभारी प्रशिक्षण। यहाँ गोरखपुर विधानसभा चुनाव के लिए जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण, ईवीएम प्रशिक्षण दो पालियों में प्रातः 9 बजे से 12:30 और 1 बजे से 4:30 तक दिया जा रहा है। इसमें उनको मतदान से संबंधित समस्त जानकारी एवं मशीनों के हैंड साइन का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चुनाव कराना किस तरह से वो जाएंगे मजबूत पर तो किस तरह का? हाँ, वो मशीनों की प्रॉपर स्थिति चेक करेंगे और उनकी सीलिंग हुई है, मार्क पोल हुआ है और ये सब चीज़ उसको देखेंगे और चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक 2 घंटे पर वो बूथों का निरीक्षण करेंगे और अगर कोई परेशानी हुई, मशीन खराब हुई, उसको बदलने की कार्रवाई भी करेंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट दोनों मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ, क्या एजेंडा है? हाँ, मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग के पश्चात, प्रथम ट्रेनिंग के पश्चात सभी सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट्स जो तैनात हुए हैं उनको ईवीएम और मतदान प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत ट्रेनिंग दी जा रही है आज, और हमारे मास्टर ट्रेनर्स द्वारा उनको पूरा दक्ष बनाया जाएगा ताकि कोई भी घटना हो जाए, क्योंकि पहला रेस्पॉन्स सेक्टर मजिस्ट्रेट्स का रहता है, जोनल मजिस्ट्रेट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, चाहे वो ईवीएम्स को रिप्लेस करने की बात हो या मतदान प्रक्रियाओं के सकुशल संपन्न करने की बात हो, सूचनाओं के आदान प्रदान की बात हो, इसीलिए उनका प्रशिक्षण आवश्यक है। इसलिए ये कार्रवाई पूर्ण की जा रही है और लगातार इसी तरह सभी कर्मियों का और अधिकारियों का विस्तृत दक्षता सुधार का कार्यक्रम किया जाएगा।